Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, pichli class mein maine aapko voice ke present continuous tense ke bare mein bataya tha. Aur today I am going to teach you about the present perfect tense. How to make the active to passive voice in the present perfect tense. ठीक है friends? तो let's start the class of the day. Friends, active क्या है, passive क्या है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था जिस दिन मैंने voice शुरू किया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते वक्त मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिव वॉइस मींस सक्रिय वाच और पैसिव वॉइस मींस निष्क्रिय वाच. एक्टिव में सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध वर्ब से होता है यानी क्रिया से होता है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध क्रिया से यानी वर्ब से नहीं होता है, उसको हम पैसिव बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा. आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो, तो लेट्स वॉच. अंजलि, वेयर आर यू? दीदी, आई एम हियर. वेयर डिड यू गो? आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड. Hi Didi, how are you? Well, what were you playing? We were playing hide and seek. Didi, have you ever seen Taj Mahal? Yes, I have seen. Why? Anjali was telling us that you would go there again. Yes, I'm going next month. We also want to see Taj Mahal. Okay, but first you all have to ask your parents. I already asked my father. He has allowed me to go with you. Okay, but it may be little expensive. Don't worry Didi, we have already collected money. Yes, our parents will give us, won't they? Yes, then go, let's go from here. Okay friends, to shuru karte hain. वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैंने ये पैसिव सेंटेंस बनाने के फॉर्मूला लिखा हुआ है. ये सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव सेंटेंस लिखता हूँ. जैसे उसने काम कर लिया है. उसने काम कर लिया, दिस इज द एक्टिव सेंटेंस. He has done work. He has done work. आप जैसा कि आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने के नियम क्या होता है. एक्टिव सेंटेंस हैज हैव लगता है प्लस वी थ्री लगता है. अब इसका हम पैसिव बनाएंगे. पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जो लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव बनते वक्त सब्जेक्ट हो जाएगा. तो द वर्क has, has had plus been, तो has लगेगा फिर been, has been done by किसके द्वारा, he, तो he का ऑब्जेक्ट him हो जाता है तो him लिखेंगे. अब दूसरा हम एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं. they have won the match. They have won the match. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच हैज बीन ओन बाय देम. सिंपल है. जो भी सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में हैज और हैव रहता है और वी थ्री होगा तो उसमें हम पैसिव बनाते वक्त बीन जरूर लगाते हैं. हैज हैव बिन. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां पर यह मत समझना कि मैं दोनों सेंटेंसेस में
यहाँ पर हैव है तो फिर यहाँ पे हैज कैसे हो गया। बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हैव लगा तो फिर इसमें हैज हो जाता है क्या, हैव क्या हैज हो जाता है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो हम हैज हैव लगाते हैं इसके हिसाब से लगाते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाता है तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम फिर हैज हैव लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दे के हिसाब से हैव लगाया, चूंकि दे के साथ हैव लगता है तो हैव लगाया, और द मैच है, एक मैच की बात की जा रही है तो यहाँ पर हैज लगेगा तो हैज लगाया मैच के लिए, दे के लिए नहीं। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है इसके लिए हम यहाँ पर हैव लगा रहे हैं, और यहाँ पर मैच सब्जेक्ट है इसीलिए हम यहाँ पर हैज लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ईजी है एक्टिव से पैसिव बनाना, बहुत ही ईजी है। हम अभी देखेंगे पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, अभी हम चलते हैं पैसिव टू एक्टिव बनाने के नियम। तो पैसिव सेंटेंस मैंने लिख कर रखा है द ट्री हैज़ बीन कट बाय हिम, दिस इज द पैसिव। अगर बाय लिखा हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो बाय हिम बाय देम बाय मी बाय माय फादर माय ब्रदर, तो समझ लेना वो पैसिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस का है वो ये समझने के लिए यहाँ पर नज़र मारना, यहाँ पर हैज़ बीन है प्लस वी थ्री है, तो समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव में कैसे बनाते हैं, वो एक्टिव का फॉर्मूला मैंने शुरुआत में लिखा हुआ था जो पैसिव का था, अभी हम एक्टिव। आपने सब टेंस का सारा वीडियो देखा होगा ना, वो जितने भी सारे सेंटेंसेस थे वो एक्टिव के थे, वही एक्टिव में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, टर्न करेंगे। तो बाय हिम है, तो बाय के बाद जो आ रहा है दिस इज द ऑब्जेक्ट हिम, हिम का सब्जेक्ट में हम अगर बदलेंगे तो ही हो जाता है, तो ही हैज, ही है इसलिए यहाँ पे हैज आ गया, ही के साथ हैज, ही हैज कट, कट कट कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है इसलिए कट ही रहेगा, ही हैज कट द ट्री, पेड़ उसके द्वारा काट दिया गया है, उसने पेड़ को काट दिया है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अभी हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द चेयर हैज बीन मेड बाय मी, दिस इज द पैसिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मेड बाय मी, बाय के बाद मी आ रहा है तो मी इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो हम मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो हम सबसे पहले आई लिखेंगे, आई हैव मेड द चेयर, आई हैव मेड द चेयर। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, अ कार हैज बीन बाउट बाय माय फादर, एक कार मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी गई है, तो यहाँ पर माय फादर, बाय के बाद क्या आ रहा है, माय फादर ऑब्जेक्ट है उसमें, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा माय फादर हैज बाउट अ कार, सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्स में, मीन्स ज़्यादातर एग्जाम्स में ये काम आते हैं, इसके लिए एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव हम कैसे चेंज करते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। ये बोलचाल में इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, जो बोलचाल में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए हम कन्वर्सेशनल वॉइस पढ़ाएंगे आपको कि हम कन्वर्सेशन में वॉइस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छी तरह से विस्तार से, पहले आप ये समझ लो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फायदेमंद है कि एग्जाम्स में काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे हम बनाते हैं और पैसिव को कैसे हम एक्टिव बनाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।